हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ये नया व्लॉग है, और जो कि आज बारिश काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, मतलब 8:15 हो गई है और इतना बढ़िया मौसम हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि अभी 6 बजे होंगे और बारिश हो रही है हल्की 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 तो नहीं, मीडियम। तो भाई सुबह सुबह ऐसा होता है कि ये जो भाई साहब आपको दिख रहे हैं ना, ये हमें उठाने के लिए बेड पर चढ़ जाते हैं और ये चद्दर वद्दर सब बिखेर देते हैं और हमें हमारे पंजे भी मार देते हैं जिससे कि हम उठ जाएं। तो भाई ये रहे मेरे भैया जो कि अभी अभी सो के उठे हैं और मैं भी अभी सो के उठा हूँ। और मौसम देखो एक बार, रुको थोड़ा, मौसम देखो भाई, मौसम बड़ा तकड़ा है। ये देखो भाई, यहाँ से पता नहीं दिख भी रहा होगा या नहीं, लेकिन भाई मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है। भाई अभी मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ कि कितना ज्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, और भाई बारिश ने एकदम माहौल सा बदल रखा है। तो अभी जाके दिखाता हूँ, ये देखो पोंपू महाराज, पता नहीं आपको दिख भी रहा होगा या नहीं, ये ऐसे ही करता रहता है, मट्टी वट्टी खाने की सोचता रहता है जो कि हम इसे करने नहीं देते हैं। तो भाई मुझे लगता है कि आपको पता चल पा रहा होगा कि इतना अच्छा मौसम हो रहा है और भाई बारिश भी आ रही है, अब तो तेज सी हो गई है। मतलब मैं दिखा देता हूँ आपको नीचे की कितनी ज्यादा बारिश है। तो भाई मौसम काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, पकोड़े वकोड़े खाने का मौसम हो रहा है। भाई यो अभी मैं नहा धो के तो रेडी हो गया हूँ, और भाई मैं यहाँ पे मम्मी के साथ में पूजा करवा रहा हूँ। देखो हमारे जो लट्टू गोपाल ने, ये आपको दिख रहे हैं, जो मैं बैक मतलब एक बार फोन को फ्लिप करके दिखा देता हूँ, बैक से ही मैं शूट कर रहा हूँ। तो भाई ये जो हमारे लट्टू गोपाल ने इस समय नहा रहे हैं, मतलब यार हमारे पास दो दो लट्टू गोपाल हैं, कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और ये मेरी मम्मी जो कि पूजा कर रही हैं, और ये रहे हमारे छोटे वाले कान्हा जी, और ये इनके सिंहासन वगैरह, और हमने एक गौ माता भी ला रखी है इनके लिए। और भाई आपको एक बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे साथ पोंपू भी यहाँ पे बैठ के पूजा कराते ही रहता है, ये भी हमारे साथ ही बैठा रहता है और नीचे नहीं बैठता, बेड वगैरह पे बैठ जाता है, तो इसके अलग ही नखरे हैं। और भाई अभी देखते हैं आगे क्या करना है। और भाई ये हमारे छोटे लट्टू गोपाल जिन्हें यार मम्मी अभी कपड़े पहना रही हैं, बड़े वालों ने तो पहन लिए हैं, सबसे छोटे सदस्य हैं हमारे लड्डू जी। और भाई सबसे छोटे सदस्य हैं, और ये देखो सदस्य ये क्या कर रहा है पूजा कराते कराते। और भाई देखो ये तो बड़े वाले का सिंहासन है और ये छोटे वालों का सिंहासन है, और उसके पीछे है गौ माता। तो ये आ गए हैं बाल, बाल यार थोड़े से वैसे हो गए हैं, खराब से नहीं लाने पड़ेंगे, है ना। देखो ये लटा वाले बाल हैं गाइस, ये तो मुझे तो काफी अच्छे लगते हैं। ये मुरली है, और जब पूरे तैयार हो जाएंगे कान्हा जी, जब मैं आपको दिखा देता हूँ यार कैसे लगते हैं हमारे लट्टू गोपाल। तो भाइयों ये रहे हमारे कान्हा जी जो कि यार अभी पूरे तैयार हो गए हैं, टीका वीका लगा दिया है गौ माता के भी। ये देखो मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ, और हंस रहे हैं बड़ी अच्छी तरीके से, ये देखो भाई। तो भाइयों पूजा वगैरह तो हो गई है, तो थोड़ी सी हम भी आरती ले लेते हैं, भगवान की कृपा हम पे भी बनी रहेगी। तो यार चलो अभी देखते हैं, अभी पोंपू भी भाई, अभी मैं आपको क्या बताऊं, मैं पोंपू के बारे में एक बार बता देता हूँ, ये देखो। और इसे मतलब मेरे बड़े भैया भी ले रहे हैं, क्या होता है ना ये धूप लेते हैं। हाँ और भाई अंधेरा इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा था, इसलिए हमें लग रहा था कि बिजली नहीं आ रही है, लेकिन यार बिजली आ रही है, अभी भी खुलासा हुआ है, और बिजली आते ही लाइट आ गई। तो अभी देखते हैं भाई, बिजली भी आ गई और पकौड़े बनने जा रहे हैं बारिश के मौसम में, ये देख लो। और कल मैं ये कह रहा था कि हम बिल्कुल भी बाहर का खाते नहीं है, मतलब यार पकौड़े तो घर के ही है ना, तो इसमें बाहर का क्या हुआ है ना भाई, इनकी शर्म नहीं जाएगी कभी। पोंपू जिसको यार बिल्कुल भी शर्म ही नहीं है, ये बेड पे ही बैठा रहता है सारा दिन। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यार पकौड़ी बनने जा रही है हमारे घर में, तो मम्मी कर रही है पकौड़ी की तैयारी, हो सकता है आपको दिख रहा होगा अच्छे से, आलू और प्याज की पकौड़ी जो होती हैं वही बन रही हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में वही काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं चाय के साथ में। ये रही मेरे भैया जो कि सुबह सुबह लैपटॉप चला रहे हैं, और ये रही मम्मी, ठीक है, जो कि पकौड़ी की तैयारी कर रही है पकौड़ी बनाने की मतलब। तो भाइयों अभी हो चुकी है मतलब सारी तैयारियां हो चुकी है, कढ़ाई रख दी है देखो ये रही, और अब मैं बना रहा हूँ चाय। चाय बनाने की ड्यूटी मेरी है, पकौड़ी बनाने की ड्यूटी मम्मी की है। तो भाई देखते हैं जल्दी से मैं चाय बनाता हूँ, और जब पकौड़ी बन जाएगा,
जब पकौड़ी ये सब बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसी बनी है, ठीक है। तो भाइयों अभी हमारी पकौड़ी आ गई हैं जिन्हें हम अभी खाने वाले हैं, तो खा के आपसे बात करते हैं। भाई अभी चाय नहीं आई है, चाय की बिना अधूरी है, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो भाइयों इस क्लिप में मैं और भैया जा रहे थे मेरी स्कूटी के टायर लेने के लिए, तो हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही थी, हमारी आवाज़ें नहीं आ रही थी और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। मैं पुष्पराज झुकेगा नहीं साला ये बोलता हुआ पूरे रास्ते गाना गाता हुआ जा रहा था, रॉक करता हुआ। तो भाई इस सीन की आवाज़ नहीं आ पाई तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो भाइयों अभी हम जा रहे हैं टायर लगवाने के लिए और फिर इसकी सर्विस भी करवानी है। देखो पीछे खड़ी हुई है, तो टायर लगवाते हैं जल्दी से। तो भाई अभी यार मैंने साफ तो कर दिया स्कूटी, लेकिन स्कूटी की अभी सर्विस नहीं है, टायर भी बदल गए हैं, लेकिन भाई सर्विस होगी कल, क्योंकि सर्विस वाले भैया आएंगे कल, वो कल कह रहे थे क्योंकि आज इनके पास टाइम नहीं है। कि पहले तो हमने किसी और से करवाने के सोचा था सर्विस, लेकिन फिर उन्होंने मना कर दिया, साफ मना कर दिया भाई। फिर दूसरे जो हमारे जानकार भैया हैं वो कल आएंगे, उनके पास आज टाइम नहीं है। तो भाई कुछ ऐसे साफ किए मैंने अपनी स्कूटी, टायर देखो भाई टायर एकदम नई, ये पीछे वाला भी टायर ट्यूब दोनों नए हैं। वैसे तो ट्यूबलेस सोचा था मैंने डलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका जो रिम है वो ट्यूबलेस वाला है नहीं, ट्यूब वाला है, मतलब ट्यूब डलेगी वो वाला रिम है, ट्यूबलेस नहीं है। तो भाइयों अभी मैं स्कूटी खड़ी करके तो आ गया हूँ और अभी सुखा रही है मम्मी कपड़े। और भाई अभी मैंने अभी देखो कितने बज गए, रुको देखता हूँ मैं कितने बज, अरे भाई भाई रुको भाई, 2 साल हो गई हैं और अब तक मैंने खाना नहीं खाया, बस पकौड़ी खाई थी वो जो आपको दिखाई थी, तब से मैं स्कूटी के ही उसमें हूँ और मैं भाई बड़ा ही एक्साइटेड हूँ। आज स्कूटी में टायर डल गए हैं, जिससे कि यार मैं 1 महीने से पापा से बोल रहा था, तो आज पापा ने अचानक ही स्कूटी में टायर डलवा दिए हैं ना मम्मी, करेक्ट। तो अभी देखते हैं भाई आगे क्या करते हैं, ड्राइंग भी बनाऊंगा आज मैं एक। तो भाई ये हैं कुछ मम्मी के पौधे, मम्मी को पौधों का बहुत शौक है ये सारे, और कुछ नीचे भी रखे हैं, कुछ यहाँ पे भी हैं। तो भाई एक बोरा, और ये मेरी स्कूटी के पुराने टायर पड़े हुए हैं देखो, ये मैं यहीं पर ही ले आया, क्योंकि अगले वाले जो टायर है वो सही है और उसकी ट्यूब भी ठीक है बिल्कुल, मतलब अगले वाला जो टायर है वो इतना घिसा नहीं हुआ, घिसा तो वो भी हुआ है लेकिन इतना नहीं घिसा हुआ, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा, इसी वजह से मैं इन्हें उठा लाया। तो भाइयों अभी मैं और मम्मी आए हुए हैं दूध लेने के लिए स्कूटी पर ही, जो कि यार आज हमने सही करवाई है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और आप कितने खुश हो, स्कूटी सही हो गई, मतलब 1 महीने या 15 दिन हो गए थे जब से खड़ी थी ये। और भाई अभी मैं आपको मौसम दिखाता हूँ यहाँ का कितना सही हो रहा है। भाई अभी हम दूध लेके आ चुके हैं और भाई आज का दिन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। मम्मी तो दूर हट गई पहले ही, इंट्रो इंट्रो हो गया बस खत्म।